आई एम सॉरी सर, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तूफान, तुम मेरे लिए काम करते हो, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। आई एम सॉरी सर, पर इसके अलावा कुछ भी करूंगा। तो शायद मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं पूछा, मुझे ये इस तरह पूछना चाहिए। तूफान, क्या तुम मेरे लिए अपनी मां को बचाओगे? सर मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं, अगर तुमने केमाल को नहीं मारा तो तुम्हें अपनी मां को मारना होगा। अब तुम्हें बात समझ में आई तूफान? मिस्टर अहमद, आपने मेरी मां को कैसे ढूंढ लिया? तुम इतनी आसानी से भूल गए कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं? प्लीज नहीं, प्लीज नहीं मिस्टर अहमद। हमेशा की तरह तुम समझ गए, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है तुम ही करोगे। चलो देखते हैं तूफान, ये देखो। माँ, बेटा, माँ चिंता मत करो, माँ चिंता मत करो। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मेरे आदमी तुम्हारी मॉम को नमस्ते करेंगे और उन्हें छोड़ देंगे, पर अगर तुमने नहीं किया, मैं करूंगा मिस्टर अहमद, मैं ये काम करूंगा आपके लिए, मैं ये करूंगा। आज रात ही हो जाना चाहिए, मेरे आदमियों से ओवरटाइम मत करवाना, उन्हें घर जाना है, उनका भी परिवार है। मैं इंतजार नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो करना होगा। हेलो आसू, क्या हम दो मिनट बात कर सकते हैं? हाँ मैं फ्री हूँ, क्या केमाल को कुछ हुआ है? हाँ बस समझ लो ऐसा ही कुछ है। क्या हुआ? देखो अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो चुके हो, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, साफ साफ बताओ। केमाल को
एमिर और जैनब की डिलीटेड चैट मिल गई है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा उसे ये कैसे मिली। उसने वो फोन एक बंदे को दिया और उसने वो फोन ठीक कर दिया और सारी चैट्स वापस आ गई। मैं वो चैट पढ़ तो नहीं पाया पर ऐसा लगता है कि एमिर और जैनब का अफेयर है। केमाल अभी कहाँ है? वो निकल गया। बहुत गुस्से में यहाँ से निकला वो। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। एक बार कोशिश करके देखो आंसू, शायद तुम उसे रोक लो। ठीक है ठीक है, मैं देखती हूँ इसे। तुम्हारा थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। मैं केमाल से बात करती हूँ। ठीक है ठीक है। क्या तुम्हें साली ने फोन किया था? केमाल, केमाल प्लीज तुम गुस्से में कुछ मत कर देना। उस दिन तुमने जो कहा था वो सच है। केमाल, केमाल देखो, देखो हर चीज का कोई ना कोई समाधान होता है। पर कुछ चीजों का नहीं होता। केमाल मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, कुछ गलत मत करना। ठंडे दिमाग से काम लो। अब सिर्फ एक चीज बाकी है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं समझी नहीं। तुम जैनब को कुछ भी नहीं बताओगी। केमाल तुम क्या करने वाले हो? मैंने तुमसे कहा ना, तुम जैनब को कुछ भी नहीं बताओगी। उसे तो क्या, तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगी, वरना तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ठीक है, अभी तुम कहाँ हो? मेरी जान, इस वक्त कमरे में कोई भी नहीं है, सब बाहर हवा खाने गए। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि जब तुम मेरे पास नहीं होती तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह पाऊंगा। मैं दिन पे दिन कमजोर पड़ता जा रहा हूँ। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे ताकत मिलती है किसी भी चीज से लड़ने की, उसका सामना करने की। पर अकेले मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा प्यारा सा चेहरा हर वक्त मेरे नजरों के सामने रहता है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेजार है। जब तुम मेरी जिंदगी में आई तब मुझे समझ आया कि परिवार की जिम्मेदारी उठाना क्या होता है। अगर मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की परवाह है तो वो तुम और मेरा होने वाला बच्चा है। ज़ैनब, तुम मेरी जिंदगी हो। Thank you.
जान मैं तुम्हारे लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, तुम मेरे लिए बनी हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझसे वादा करो जनाब कि तुम कभी मरने की बात नहीं करोगी, ठीक है? वादा, अब जब हमारी शादी हो रही है तो। आरोप लगाना हमेशा काम करता है। ओजान, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, ये सब इसके प्लान का एक हिस्सा है, ये सिर्फ तुम्हें अपने बदले के लिए इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या तुम में से कोई है जो मुझे अच्छा महसूस करवा सके? एमए, तुमने जनाब को देखा क्या? वो कहीं दिख नहीं रही है। हाँ देखा है, मैं उसे अब भी देख पा रहा हूँ। नहीं, ज़ेनब तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं, 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 नहीं। ऊपर वाले मुझे शक्ति दे। हेलो ज़ेनब। ओज़ान, जब तुम मेरे लाइफ में आई उस दिन से मैंने खुद पे तरस खाना छोड़ दिया था। ओज़ान, कुछ हुआ है क्या? तुमने मुझे एहसास कराया कि मैं एक हीरो हूँ। ओज़ान, क्या बात है, बोलो। मेरी बात सुन, जब तुम्हारे लिए मैं मॉम डैड के खिलाफ गया तो मुझे लगा कि मैं सही हूँ, क्योंकि तुम्हारे कांपते हुए हाथ पकड़े उसी दिन सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कभी अकेला नहीं। ये समझ ही नहीं पाया मैं कि तुम मेरे साथ खेल खेल रही थी। तुम्हारे प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि समझ नहीं पाया तुम मेरे घर में घुसी क्यों। मेरी गलती ये थी कि तुम्हारे बदले की भावना को मैं प्यार समझा। ओज़ान, तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए सबसे आसान शिकार मैं था ना, जिसे तुम आसानी से बेवकूफ बना पाओ, जिसके साथ खेल पाओ, जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, तुम्हारी जी हुजूरी करे, जिसके साथ होते हुए भी तुम्हारी अय्याशियों में कोई कमी ना हो और तुम किसी और के साथ हो क्या हो? मेरी मॉम और निहान बिल्कुल सही थी तुम्हारे बारे में। तुम एक बेशरम और बेगैरत औरत हो। तुम उस घर में उस आदमी के लिए आई थी जिससे तुम प्यार करती हो, और उससे बदला लेने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये बोलना बंद कर जरा। ये बच्चा अमेरिका का है ना? ओज़ान, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम जेल में हो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी माँ और बहन सही हैं? जब बोट पे तो उस कमीने अमीर को किस कर रही थी वो फोटो देख लिया मैंने।
तुमने मुझे बहुत बहुत बड़ा धोखा दिया है जैनब। तू मेरे सामने नाक भी रगड़ेगी ना तो इसकी माफी नहीं मिलेगी तुझे। मैं तिल तिल करके जेल में मर जाऊं इसीलिए तूने और अमर ने जेल भेजा मुझे। इसकी कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी जैनब। मेरी आंखों से सारे पर्दे हट चुके हैं। इतना बड़ा सख्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता है मैं। जल्दी कुछ करो एमिर, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज कुछ करो जल्दी। बात करने का समय खत्म हो चुका है, बस मुझे दो मिनट और दे दो। सिर्फ एक मिनट, जल्दी करो, चलो जल्दी। निहान फोन उठाओ निहान। आप अपना मैसेज इस बीप की बात छोड़िए। समय खत्म हो गया, चलो जल्दी से फोन रख दो। निहान मुझे इस जगह से निकलना होगा। निहान जैनब ने मुझे चलो मैं दोबारा कब फोन कर सकता हूँ? कल, मैं कल तक वेट नहीं कर सकता, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मत करो, चलो चलो जल्दी। मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं आज ही निकलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बस यहीं पर, बस हाँ चेंज रख लो। थैंक यू। मुझे लगा तुम्हारा शादी करने का इरादा बदल गया है। अब तक तो मेरा इरादा बदला नहीं है बानो। इतना क्या जरूरी काम था? दरअसल मैं चीजें अरेंज नहीं कर पाया और मैं फंस गया था और ट्रैफिक भी बहुत था। I'm sorry, बानू। तुम बिल्कुल परी की तरह लग रही हो। तुम क्या ड्राइवर बनकर आए हो? वाह, तुमने अभी से मजाक करना शुरू कर दिया। हाँ, क्या बात है। तुम्हारे लायक बनना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है ना? ऐसा मत बोलो बानू। क्या तुम तैयार हो? तुम? मैं तो कब से तैयार हूँ बानू। मैं तुमसे इस बात का बदला लेके रहूंगा। तुम्हारी वजह से मैं जेल में हूं। मुझे इस नर्क में पहुंचा के तुम दोनों अयाशी नहीं कर सकते। हिसाब तो देना पड़ेगा। भाई, भाई तुम्हारे पास फोन है क्या? कौन सा फोन भाई, हम तो जेल में हैं। कोई ऐसा आदमी है जिसके पास फोन हो, वो जितने पैसे कहेगा मैं दे दूंगा। भाई क्या हुआ? नहीं, जब तक मैं उन्हें बर्बाद नहीं कर देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? अरे हेल्प करो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया भाई, जाकर गार्ड को बताओ जल्दी। तुम ठीक तो नहीं? मदद करो गार्ड। गार्ड क्या हुआ?
इस लड़के की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा ठीक है, चलो 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 उठाओ। क्या हो गया इसे? इसे चोट लग गई है। ये अचानक गिर गया था। चलो इसे इन्फर्मरी ले चलते हैं। चलो जाओ। मेरी मदद करो। मिसेस नेहान, डॉक्टर आपसे जल्द ही मिलेंगे। मैं अपने टेस्ट के रिजल्ट्स का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, रिजल्ट डॉक्टर को दिए हैं। निहान, हम दोनों ने कुछ ज्यादा आइसक्रीम नहीं लेकर आ गए? नहीं नहीं, ये बहुत सारी नहीं है, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, वो खाकर खुश हो जाएंगे। मुझे बच्चों को खुश करना बहुत पसंद है सच में। बच्चों, चलो मुझे पहले किस करो। ये लो तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट। अच्छे से खाना बेटा, इसे गिराना मत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। छुटकी, इधर आओ इधर आओ। तुम्हें आइसक्रीम नहीं चाहिए क्या? ये लो ये लो ये ले लो। थैंक यू सो मच। बच्चों को खुश करके कितना अच्छा लगता है ना, देखो तो। वो देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, देखो तो। मुझे उन्हें देखकर बहुत मजा आता है। तुम एक बहुत अच्छी मॉम बनोगी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो हर समय अपने बच्चों की चिंता करती रहूंगी, और देखना मेरे बच्चे तो मुझसे परेशान होकर भाग जाएंगे। नहीं, तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। हमारी बेटी बहुत प्यार करेगी तुम्हें, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमारी बेटी? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जैसी एक प्यारी सी बेटी होगी हमारी, तुम्हारी कॉपी। मिसेस निहान, चलिए डॉक्टर आपका वेट कर रहे हैं। हेलो मिसेस निसे। वेलकम, प्लीज बैठिए। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और तुम? क्या ये मेरे लिए है? थैंक यू सो मच। क्या मेरे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए हैं? हाँ बिल्कुल, तुमने अभी वही पकड़ रखे हैं। ये मेरे यहाँ का रिवाज है, मैं पेशेंट को इसी तरह खबर देती हूँ। डॉक्टर, इसका क्या मतलब है? निहान, तुम प्रेग्नेंट हो, कंग्रेचुलेशंस। तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी निहान। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या कोई गलती तो नहीं हुई है ना? निहान, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो।
मुझे नहीं पता कि मैं इसे जिंदा रख भी पाऊंगी या नहीं। क्या मेरी शक्ति काफी होगी? क्या मैं इसे बचा पाऊंगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब नंबर सही है। तुम अभी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में हो, तो इसके पिता को बताने का समय आ गया है। मुझे लगता है तुम्हें जाकर उसे बताना चाहिए। इसके पिता? मिसेस नेसी, प्लीज आप इस बारे में मेरी माँ या किसी और को कुछ मत बताइए। मुझे बस इस बारे में थोड़ा सोचना है। जरूर। उन्होंने उसे हॉस्पिटल कब भेजा? लेकिन अच्छा ठीक है, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। क्या तुमने ज़ेनिब को इसके बारे में बताया? हाँ मुझे पता है, पता है मुझे। वो हमें उससे मिलने नहीं देंगे, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, रखता हूँ। मुझे सच बताओ, क्या हुआ है ऑन्डर? चिंता मत करो विल्दान, ये सिंपल पॉइजनिंग का केस है और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरे दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे हैं। हमें निहान को नहीं बताना चाहिए। हाँ, वो पहले से ही काफी परेशान है। आप बनू एक्मेरिच बिना किसी के दबाव के अपनी मर्जी से तारिक सोयदेर से शादी करना चाहती हैं। यारदान बिर मुजीजे गुंदरसिन दिए कल्बिम गेजे गुंदुस दुआया दुरू या बिर टेलेफोनला या दा युज युजे şimdilik hatırını sorsan da olur. Kokun tenime bulaşsın, çık gel de artık elim ayağıma dolaşsın. Gel 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 kokun tenime bulaşsın, çık gel de artık elim ayağıma dolaşsın. Sermiş aşık sahine oldu da biz ayrıldık. तूफान, तुम जानना चाहते हो तुम्हारी माँ कैसी है? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। हम यहाँ एक आदमी को मारने की बात कर रहे हैं, हम किमाल को मारने की बात कर रहे हैं सर। सही कहा, एक जिंदगी दूसरी के लिए, एक जिंदगी जाएगी तो दूसरी बचेगी। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए। हाँ मैं कर रहा हूँ सर, जब मुझे अच्छा मौका मिलेगा मैं कर दूंगा। वो अभी क्लिनिक से निकला है, भीड़ होने के कारण मैं नहीं कर पाया। कौन सा क्लिनिक? वही क्लिनिक जो बेसिकतास मेन स्ट्रीट पर है। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ सर, सही मौका मिलने पर मैं ये पूरा कर दूंगा। जल्दी करो। जहर पिया था, हमने उसको अभी दवाई दे दी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और वो हमारी देखरेख में रहेगा।
लेकिन ये किस तरह का जहर था लेकिन डॉक्टर? ये कुछ भी हो सकता है, हम इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये फूड पॉइजन हो सकता है। पर इसे तो किसी चीज से एलर्जी नहीं है डॉक्टर। हम अभी जांच कर रहे हैं, अभी के लिए बस इतना ही। जो कुछ भी होगा हम आपको बता देंगे और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, शायद हम उसे मिल सके। हाँ ठीक है। अभी घर के अंदर जा रहा है सर, ये समय सही नहीं है। तो सही समय ढूंढो और घुसो अंदर। कहां चली गई तुम? कहाँ हो तुम ज़ैनब? भाई मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, उज़ान को फूड पॉइजनिंग हो गई है। अभी घर वापस आओ। पर मैंने कहा ना वापस आओ। तो तुम मुजगन के लवर हो है ना? तुम यहां क्या कर रहे हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने अपने बेटे और आंसू को अपनी पत्नी के साथ देखा। मुझे लगा था कि मेरा एक लड़का है, पर मेरी लड़की है ये मैं नहीं जानता था। आंसू, वो लड़की जिसके तुम गार्जियन हो, क्या वो मेरी बेटी है? हाँ, जवाब तो। बोलो। आपका स्टॉप आ गया है।
क्या तुम इस हवा में सांस ले रही हो? क्या तुम्हारा दिल अंदर से धड़क रहा है? क्या तुम मेरे एंडलेस लव का दिल हो? तुम इतने बोझ के साथ कैसे जी रहे हो? पर एक बार तुमने जीना शुरू कर दिया तो मैं भी तुम्हारे लिए जीना चाहूंगी। तुम मेरा करिश्मा हो, मेरी प्यारी सी बेटी। मेरा दिल वेलकम। क्या आप फिर से रो रही हैं? उसने फिर आपको दुखी किया है क्या? तुम्हें पता है आज मुझे सबसे अच्छी खबर मिली है। पर आप तो खुश नहीं लग रही। क्योंकि ये दुख भरा समय है खुश होने के लिए। मेरे साथ कोई नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं। केमाल अंकल कहाँ हैं? आप उनसे ये शेयर करेंगी तो वो खुश नहीं होंगे क्या? या वो आपके साथ दुखी होंगे? मुझे नहीं पता। अगर आप चाहती हैं, तो मैं उनसे ये बात कह सकती हूँ ताकि आप बहुत खुश हो जाएं। वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, याद है ना? केमाल अंकल बहुत अच्छे हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आप दुखी हो। वो बहुत बहुत अच्छे अंकल हैं। वो मुझसे बहुत गुस्सा है। लेकिन क्यों? जब सब हमें अलग करना चाहते हैं तो हमारी किस्मत हमें मिलाना चाहती है, और मैं उस आवाज को सुन रही हूँ। ये तो पागलपन है। आपको सुनना चाहिए। तुम सही हो। वो खुश होंगे या दुखी, ये उन्हें जानने का हक है। तुम जानती हो क्या, मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह एक प्यारी सी बेटी चाहिए। ऐसा ही होगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। तब तक ये रखो अपने पास। मुझे मरने से डर लगता है। डर सबको लगता है। हाके, मुझे जवाब चाहिए। प्लीज मुझे जवाब दो। क्या आंसू मेरी बेटी है? जवाब दो। वो नहीं है। क्या हुआ भाई? वहां बैठो।
क्या हुआ है भाई? आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डर क्यों रही हो सैनब? मुझे नहीं पता, क्या आपको लगता है ये नॉर्मल है? मेरे पति को फूड पॉइजनिंग हुई है और आप मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाने दे रहे हो। आपने कहा मैं घर आ जाऊं। क्या वाकई में तुम्हें उजान की इतनी चिंता है? बिल्कुल, वो मेरा पति है और अभी वो जेल में है। अभी उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई भी औरत यही करेगी भाई। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो आप मुझे डांटेंगी नहीं? और आपको तो पता ही है कि उजान से मैं कितना प्यार करती हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो साहब? क्या बोल रही हो? मुझे क्या बोलना चाहिए जब आप मुझे इस तरह देख रहे हैं? क्या तुम जानती हो उन लोगों में क्या आम बात है जो हर चीज में झूठ बोलते हैं सैनम? उन्हें कुछ भी कहो तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये कहावत तो सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं भाई, मैंने तो अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया। पर जैसा कि आपने कहा, हम मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, सब बहुत अजीब है। मैं सिर्फ उजान के बारे में सोच रही थी। झूठ बोलने वालों में दूसरी आम बात यह होती है कि वो एक्सप्लेन करने लगते हैं, जैसे तुम कर रही हो। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की सैनब, हमेशा तुम पर भरोसा भी किया सैनब। तुम्हारी हर बात को सच मानी मैंने। सोचा सैनब ऐसा कुछ करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने आप से कहा कि वो इतनी बेवकूफ हो ही नहीं सकती कि हम सबको खतरे में डालते हैं। भाई, ये क्या है भाई? तुम जानती हो, पेटर्निटी टेस्ट। इसका उजान से कुछ भी लेना देना नहीं है। भाई, ये बताओ तुम मुझे कब से झूठ बोल रही हो? कितने टाइम से अंधेरे में रखा है तुमने मुझे? मुझे ये जानना है कि तुम मेरी अच्छाई का फायदा कब से उठा रही हो सैनब, कब से उठा रही हो, बोलो मुझे। मैं सोच भी नहीं सकता, क्यों किया तुमने ऐसा सैनब, क्यों किया ऐसा? तुम जानती थी मुझे बच्चे के बाप के बारे में मालूम पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि निहान तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तुमने मेरे दुश्मन का साथ दिया है सैनब। एमिर की बातों में आकर आखिर तुम भी फंसी गई है। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने से भी नफरत हो रही है। निकल जाओ, चली जाओ। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करता है। मेरा इस्तेमाल किया आपसे बदला लेने के लिए। मैंने अपने भाई को हरा दिया। मैंने बेवकूफों जैसी हरकत की। मैंने मरने की भी कोशिश की, पर मैं उसमें भी नाकाम रही। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं उजान से शादी करने के लिए राजी हो गई, पर मैं फिर हार गई। मैं फिर से हार गई। मैं अपने दिल को समझा ही नहीं पाई। मैंने खुद को हरा दिया, पर मुझे उससे नफरत है। मैं अमीर से नफरत करती हूँ। क्या तुम्हें टेस्ट के रिजल्ट मिले? हाँ सर, बच्चे का बाप उजान ही है। कम से कम अब ये तो नहीं संभालना पड़ेगा। भाई, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप इसे हमारे बीच ही रखना। प्लीज किसी को मत बताना।
ये रिपोर्ट्स छोटे हैं, इन्हें मैंने बनाया। अब सब खत्म हो गया है। तुमने कहीं का नहीं छोड़ा सेना, सब खत्म कर दिया तुमने। नफरत हो गई है तुमसे। जा रहा हूं मैं भाई। भाई आप कहां जा रहे हैं भाई? ये मैंने क्या कर दिया? कहां हो तुम? अपने घर पर। आ जाओ। हाँ मिस्टर अमर। तूफान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? केमाल आ रहा है, वो निकल चुका है। हाँ मैं देख सकता हूँ उसे। लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं है, उसके पास जरूर गन होगी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ। उसने सोचा कि वो यहाँ आकर मुझे डराएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो यहाँ मरने आ रहा है। ये प्लान तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अच्छा हुआ वही आ गया। कैदी ने सुसाइड कर लिया है। ध्यान दीजिए, उस नए कैदी ने सुसाइड कर लिया है। सर प्लीज, आप ठीक हैं? सर प्लीज उठिए सर। ऑर्डर क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं सर? उठिए सर, उठिए। ऑर्डर उठ जाओ। ऑर्डर, शांत हो जाइए मैम, शांत हो जाइए। मुझे बताना होगा, मुझे बताना होगा, मुझे बताना होगा उसे। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो। Oh no!
तुम्हें तुम्हारे घर में ही मारूंगा। तो तुझे पता चल गया? तुम्हारी आखिरी सांस मेरे हाथों में निकलेगी, मार डालूंगा मैं तुम्हें। मैंने किसी से कुछ जबरदस्ती नहीं करवाया है। मेरी बहन के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी से बदला लेने के लिए तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? सिर्फ तुम्हारी जीत की खातिर तुम किसी लड़की की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। तुम्हें तेरी बहन खुद मेरे पास आई थी। अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ मरेगी, पता है ना तुम्हें? जिन लोगों के पास तुम्हारी माँ है उसका पासवर्ड सिर्फ मेरे पास है। Kemal,
मिस्टर गालिब को फोन करो। शुरुआत से तुम सब जानती थी पर मुझे तुमने कुछ नहीं कहा। तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया है। Çekmeninin kibarını bilirsin. Sen ki mum gibi içine içine erirsin. Sen ki acı çekmeninin kibarını bilirsin. Sen ki mum gibi içine içine erirsin.